आ गए सभी, तो चलो शुरू करते हैं आज का गेम। हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एट होम। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न हाउ टू राइट अ नोटिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोटिस कहाँ किसे जाता है। अ नोटिस इज अ ब्रीफ एंड वेरी क्लियर पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ यूज टू गिव प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन टू इट्स रीडर्स। इट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस इवेंट्स, बर्थ्स एंड डेथ्स एंड ओकेजन्स सच एज सेलिब्रेशंस। तो हमें ये पता है कि नोटिस एक बहुत ही छोटा और क्लियर पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसके अंदर हम बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके रीडर्स के लिए। तो आप सबको ये भी पता है कि नॉर्मली नोटिस हमारे आसपास हर जगह पाए जाते हैं, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, हर जगह हमें नोटिस देखने को मिलेंगे। नॉर्मली नोटिसेस का काम क्या होता है कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डाली जाती है जिसको देखकर हम उस जगह की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकें। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि नोटिस इज़ अ वेरी ब्रीफ एंड वेरी क्लियर पीस ऑफ राइटिंग। नोटिसेस को हर तरह के इवेंट्स और ओकेजन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हमें किसी जगह पर गैदरिंग चाहिए या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और वहाँ पर हमें पार्टिसिपेंट्स चाहिए या क्राउड चाहिए, स्पेक्टेटर्स चाहिए, तो हम उसके लिए भी नोटिस पुटअप करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सो दैट अदर्स कैन नो एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस। जहाँ पर भी हम नोटिस लगाते हैं उसको देखकर जो दूसरे लोग हैं वो उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस मेक्स इट ईजिली अवेलेबल फॉर द पब्लिक। ज़्यादातर नोटिसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोर्ड्स पर लगाते हैं ताकि वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो पाए। सो हेयर यू कैन टेक अ लुक एट द सैम्पल नोटिस। इन दिस नोटिस द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज़ टू पुट अप द नोटिस इन अ बॉक्स। हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि कोई भी नोटिस जब हम लिखते हैं तो हम उसे एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे सो दैट उसको हाईलाइट किया जा सके। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अथॉरिटी है जो नोटिस पुट अप कर रही है उसका नाम क्या है। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ़ द अथॉरिटी इज़ अ स्कूल, सो वी पुट अप द नेम इन कैप्स एट द टॉप ऑफ द नोटिस। इस नोटिस के अंदर जो अथॉरिटी है वो एक स्कूल है जिसका नाम है लिटिल सनफ्लावर स्कूल करसेंग दार्जिलिंग। सो उसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे बिल्कुल टॉप पर। ध्यान रखेंगे कि जो भी हम हेडिंग डालेंगे वो सब कैपिटल में हो। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम ये वर्डिंग लिखेंगे नोटिस। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम ये देखेंगे नोटिस किस डेट को लिखा गया है। जिस तारीख को भी नोटिस लिखा जाए उस तारीख को हम नोटिस के जो कैपिटल लेटर है उसके साइड में डाल देंगे, मेंशन कर देंगे। द नेक्स्ट लाइन विल बी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम अबाउट विच द नोटिस इज़। अगली लाइन में हम वो चीज़ लिखेंगे जिसके बारे में हम नोटिस पुटअप करने वाले हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, देन वी विल पुट द हेडिंग ऑफ इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप इन द नेक्स्ट लाइन। स्टार्टिंग की इन तीन लाइन्स को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन टू अस। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेम नेम विल बी गिवन एवरी टाइम इन एवरी क्वेश्चन। इट कैन ऑल्सो बी द नेम ऑफ एन ऑफिस, इट कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंट प्रोग्राम अबाउट विच द नोटिस इज़। आफ्टरवर्ड्स जब ये लाइन्स हम लिख लेंगे, जब हम मेंशन कर देंगे कि कौन से अथॉरिटी नोटिस प्रोवाइड कर रही है या पुटअप कर रही है और प्रोग्राम किस के बारे में नोटिस लगाया गया है, उसके बाद हम उसकी डिटेल्स जो हैं वो लिखेंगे। सो फॉर एन एग्जाम्पल हेयर, द स्कूल इज़ हैप्पी टू अनाउंस इट्स पार्टिसिपेशन इन द एनुअल इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप विद रिवरडेल स्कूल सिलीगुड़ी। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। सो आपने देखा कि जो सबसे पहली लाइन है उसके अंदर ये बता दिया गया है कि जो स्कूल है वो एक एनुअल इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप को पार्टिसिपेट करने वाला है। एंड आफ्टरवर्ड्स ये भी मेंशन किया गया है कि किस स्कूल के साथ वो पार्टिसिपेट करेगा। सो द स्कूल्स नेम इज़ रिवरडेल स्कूल इन सिलीगुड़ी। ये जो दो लाइन्स हैं ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में, बिकॉज़ इससे हमें ये पता चलेगा कि नोटिस किस बारे में है और
what is the main purpose of putting up this notice. Afterwards, the details are given below. Day, Tuesday, 24th September, time 2:30 PM, and venue Little Sunflower School ground. So you can notice here that the day, time and venue are also given. ये भी नोटिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जिस प्रोग्राम के बारे में हम नोटिस पुट अप करते हैं उसका डे, टाइम एंड वेन्यू हमेशा मेंशन किया जाना चाहिए नोटिस के अंदर ही. अगर हम ये तीन चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे तो पब्लिक जो नोटिस पढ़ रही है उसे ये पता नहीं चलेगा कि चैम्पियनशिप कहाँ होने वाली है. सो दीज थ्री थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ नोटिस. आफ्टरवर्ड्स वी विल एनकरेज द पीपल to come and participate in the championship or just to watch and cheer for their home team. Ending की line में हम हमेशा invite भी कर सकते हैं students को, उन्हें encourage भी कर सकते हैं. जैसे इस notice के अंदर basketball championship में participation किया है school ने, तो वो students को invite कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा number में आएँ और उन्हें cheer करें. तो इसी तरह से अगर एक participation का notice होता, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ देर वॉज एन इंटर स्कूल पेंटिंग कॉम्पिटिशन, अगर पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता तो हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए भी इन्वाइट कर सकते थे. सो एट लास्ट जो साइनिंग अथॉरिटी है, जो नोटिस को लिखती है या साइन ऑफ करती है, उसका नाम आता है एंड उसका डेजिग्नेशन आता है. तो जैसे इन दिस नोटिस There is a basketball championship, so it is obvious that the school captain will sign this notice. अगर ये notice school के principal ने कोई और information देने के लिए जारी किया होता, so then the last sign would be of the principal. So it depends upon the program and the kind of notice we are talking about. नोटिस के अंदर लास्ट में जो साइन है और जो डेजिग्नेशन है वो उसी इंसान का होता है जो उस नोटिस को प्रोवाइड करता है या पुट अप करता है. सो दिस इज़ अ सैम्पल नोटिस, यू कैन लुक एट इट अगेन एंड लेट अस रीकैप दैट व्हाट वी हैव टू राइट इन द नोटिस. सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखेंगे या उस अथॉरिटी का नाम लिखेंगे जो नोटिस को पुट अप कर रही है. देन वी विल राइट द नोटिस हेडिंग इन द सेकेंड लाइन. साइड में हम डेट डालेंगे जिस डेट को हमने नोटिस डाला है, पुटअप किया है. आफ्टर देन द नेम ऑफ द प्रोग्राम. आफ्टर दैट हम ये लिखेंगे उस प्रोग्राम के बारे में, दो लाइन लिखकर उसका वेन्यू, टाइम और डे हम मेंशन करेंगे. उसके बाद हम स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि वो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें. एंड देन एट लास्ट इट विल बी द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन पुटिंग अप द नोटिस. सो सीइंग द सैम्पल नोटिस हेयर, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट डिफरेंट नोटिसेज ऑन योर ओन. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. हे एवरीबॉडी, इफ यू फाइंड दिस वीडियो नॉलेजेबल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल to get more new updates. We will meet in the next video. Till then, be safe, be happy.